गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू गाइज आर फाइन। गाइज तो अभी हूँ मैं मसूरी में भट्टा फॉल के पास बालूगंज में। यहाँ की जो बात करें मसूरी में, आजकल कोविड की वजह से कम लोग आ रहे हैं, और जो यहाँ की रोड है ना, मतलब बालूगंज की तरफ से जो भट्टा फॉल जाती है, मसूरी से बालूगंज जाती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और ढलान है, रोड ऐसे डाउन है। रोड की बात करें मसूरी में तो बहुत ही कंजेस्टेड है और बहुत बेकार है। जो मकान है, जो उनकी छत होती है, वहाँ पे ये स्लाइड ऐसे बनाते हैं टीन का, ताकि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है और धूप भी आती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो टीड़ पड़ जाती है सीमेंट पे। इस वजह से पिछले एक दो साल से और अभी तक की बात करें तो मसूरी में भी कम ठंड हो चुकी है, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा कम पड़ रही है, क्योंकि निजी आग लग रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बालूगंज क्रॉस करने के बाद हम जा रहे हैं मसूरी, ये है मेन हाईवे, और हम जाएंगे मसूरी की माल रोड जो सबसे ज़्यादा फेमस है, पहले वहीं का व्यू दिखाते हैं आपको। माल रोड पे दो गेट हैं एंट्री गेट, जो शाम को 5 बजे से पहले होता है, 4:30 बजे से पहले एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री नहीं होती माल रोड में गाड़ियों की, और 10 बजे तक बंद रहता है 4:30 बजे से। और उधर का नज़ारा देखोगे तो पूरा देहरादून दिख रहा है उस साइड। यहाँ पीछे है बस स्टैंड, और हम आ चुके हैं लाइब्रेरी चौक, जिसके राइट हैंड साइड से आती है सीधे माल रोड के लिए। ये है लाइब्रेरी चौक, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है देहरादून का। म्यूजियम है लाइब्रेरी की, एस्टैब्लिश 1843। चढ़ाई है बहुत खतरनाक रोड है, कहीं पीछे। चंडालगढ़ी से मसूरी का बहुत अच्छा व्यू आता है। पीछे पत्थर है, बस निकल जाएगी बस, ठीक है गाड़ी। तो ये था चंडालगढ़ी से, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मस्त वाला। और अब जाएंगे हम कमरे पे, उसके बाद मसूरी घुमाएंगे आप। ये जगह है ना, जो ये चंडालगढ़ी है, यहाँ पे मतलब पहले पुराने लोग आते थे, और पुराने लोग मीन्स अंग्रेज थे, तो यहाँ पे लोगों को फांसी फूंसी देते थे अंग्रेज उस टाइम पे, जब मतलब कि वो तेल निकालते थे आदमियों से उल्टा लटका के, उस टाइम पे बहुत पहले। अब तो वैसा कुछ नहीं है, तो उस पे दी जाती थी फांसी पहले के टाइम पे अंग्रेजों द्वारा। पूरा चबूतरा सा एसेसिन क्रीड गेम देखा है ना, उसमें बनाया जाता था फांसी वाला, बिल्कुल डिट्टो वैसी है। तो गाइस देखिए इनकी छत देखिए कैसी, बिल्कुल टीन वाली है, वैसे प्लेन नहीं है क्योंकि बर्फ़ और धूप की वजह से। ये रहा मसूरी का व्यू। सुकून सा मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ दिल्ली से, कोविड की वजह से, और माँ हरिद्वार में महाकुंभ हो रहा है उसके वजह से रिपोर्ट मांग रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR वो बहुत ज़रूरी मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अभी कोई है नहीं, खाली पड़ा हुआ है मसूरी, मतलब थोड़ी बहुत भीड़ होती है, वही है रेगुलर भीड़ होती है जो खाने पीने वाली, बाकी यहाँ कोई भी नहीं है। हल्की फुल्की भीड़ है, मतलब थोड़ी बहुत भीड़, ज़्यादा तो है ही नहीं। सामने वो है व्यू चंडालगढ़ी से, पर हम नहीं आ रहे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी मसूरी में हैं। कल रात का सीन बताऊँ तो माल रोड में अंधेरा हो गया, इस वक्त कुछ भी कैप्शनिंग कर पाया मैं, बट मैंने कुछ फोटोज़ लिए बहुत मस्त, जो आप देखो आप 1, 2, 3 को। आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है यहीं से चंडालगढ़ी से, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, और यहाँ का बैग पैक कर लिया हमने, अब हम यहाँ से निकलेंगे माल रोड की तरफ। माल रोड पे ना बहुत कम लोग थे,
मतलब भीड़ तो ठीक ठाक थी, बट वही जो स्ट्रीट फूड वो खाते हैं, वही रेगुलर जो देहरादून से लोग आते हैं वही थे, दिल्ली देहरादून बहुत कम लोग थे क्योंकि कोविड की रिपोर्ट चाहिए इस वजह से। बाकी तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल ही था। और माल रोड की एक बहुत बड़ी रोड है, जैसे नैनीताल में है वैसे यहाँ पे है, जैसे नैनीताल भी देखा वो देख लें माल रोड कैसी है, और बिल्कुल बहुत लंबी 2-3 किलोमीटर तक, और ठंडा बिल्कुल ठंडा सा लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल। सुबह रात को 10-11 बजे जो मैंने फ़ोटो क्लिक करी थी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था रात को। अप्रैल का महीना है और नीचे तो बहुत गर्मी हो रही है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मिलते हैं आपको वहीं नीचे मसूरी में, चलते हैं। सर सामने वो उधर क्लॉक टावर है और माल रोड ये है, बाकी पूरा मसूरी का व्यू। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक ये लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो, और जिन्हें सब्सक्राइब कराओ नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, क्योंकि 3000 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, बाय।